चाहता है आपको, मैं कहता हूँ, मैंने कई निर्देशक, मैं मेरे निर्देशक मित्र को सबसे पहले देता हूँ जो मेरे इस इंडस्ट्री के से। राकेश त्रिपाठी सर, रवि शर्मा जी यहाँ आ रहे हैं, लिट्टी चोखा फिल्म के निर्माता। क्या बात है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत मिस्टर प्रदीप के शर्मा साहब, जिन्हें आजकल भोजपुरी में शो मैन के नाम से बुलाया जा रहा है। प्रदीप के शर्मा साहब लिट्टी चोखा फिल्म के निर्माता अवार्ड लेने के लिए आ रहे हैं। आइए, क्या बात है, फर्स्ट क्लास सर, आइए सर। आप बोल दीजिए दो शब्द, पहले 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 अवार्ड आप दे दीजिए। अवार्ड तो मिल चुका है ना, पहले नाम तो अनाउंस हो गया, फिर भी एक उस निर्माता को अवार्ड दे रहा हूँ। इत्तफाकन इन्होंने पहली बार भोजपुरी में कदम रखा, तो इस समय इनके कदम से हम लोग कदम मिला के चल रहे थे। मैं था रजनीश जी थे, ये हमारे मित्र हमारे प्यारे प्रदीप शर्मा जी, आपको बहुत बहुत मुबारक। तालियों के साथ स्वागत, एक बहुत बेहतरीन बहुत बड़ी फिल्म भोजपुरी सिनेमा लिट्टी चोखा बेस्ट स्टोरी अवार्ड गोस टू मिस्टर राकेश त्रिपाठी, जिन्हें लेने के लिए स्वयं इस फिल्म के प्रोड्यूसर मिस्टर प्रदीप के शर्मा साहब आए हुए। इसके बाद थैंक यू विभिन्न अवार्ड एंड विजय पांडे जी, राकेश त्रिपाठी जी, आपके लिए मैंने ये अवार्ड लिया है। और जो आप बोल रहे, मैं क्या बोलूं, मेरे को भोजपुरी में लाने वाले ये, उसके बाद रजनीश मिश्रा जी आए मेरी जिंदगी में और हमने डमरू बनाई, राजतिलक बनाई, और उसके बाद मैं काम लगातार कर रहा हूँ। तो अवधेश मिश्रा जी को पूरा क्रेडिट जाता है मुझे भोजपुरी में लाने के। क्या बात है, जोरदार तालियां, मजा आ गया। अब अगले अवार्ड की तरफ चलते हैं सर जी, और बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड के लिए हम सम्मानित करेंगे अवार्ड। और हम प्रदीप सर क्या कहना चाहेंगे, आज चौथा साल है ग्रीन सिनेमा अवार्ड पर आप आए। ग्रीन सिनेमा अवार्ड को मैं 2 साल से जानता हूँ और उसके पहले से मेरे टच में थे, बट मैं 2 साल से जानता हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारे, बहुत ही उभरता हुआ और सच्चा, जिसको बोलते हैं कि मतलब किसी भी बार्गेनिंग वगैरह में नहीं पड़ने वाला ये अवार्ड शो है। और मैं यहाँ आया हूँ, पहली बार आया हूँ, और मुझे लगता है कि सब यहाँ जो भी है एक्चुअल जो है वही। इसके आयोजक जो है पांडे जी, एक अच्छा उपहार है के साथ। विजय पांडे जी बहुत ही अच्छे इंसान है पहली बात, और वो स्ट्रगल कर रहे थे उस जमाने से मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी कोई फिल्म उस समय नहीं थी कि जिसको मैं इसमें डाल पाता, लेकिन इस समय शायद लिट्टी चोखा इन्होंने दिया है, इसी वजह से मैं आऊँ। तो विजय पांडे का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने लिट्टी चोखा को इस अवार्ड शो में शामिल किया। देखिए, आपने आसकी का नाम लिया, लेकिन जो फिल्म यहाँ लगी है या जिसकी एंट्री है वहाँ पर, उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि लिट्टी चोखा ने बहुत अच्छा किया था। उसके बाद आसकी अभी आई है, तो ये तो नेक्स्ट ईयर में जाएगी, बट लिट्टी चोखा जो है गजब की फिल्म है, और इसी वजह से इस अवार्ड शो में है। और आसकी ने अगर अच्छा किया है, तो उसके लिए मैं सारे दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने आसकी को इतना प्यार दिया, और इसके लिए आप सबका धन्यवाद। आसकी के बाद कौन सा नया धमाका होने वाला है? देखिए, एक तो जो फिल्म है दिनेश लाल जी के साथ, निरहुआ जी के साथ, साथ में अक्षरा सिंह है और श्रुति राव है, तो सबका बाप अंगूठा छाप है। और इसके बाद जो फिल्म आने वाली है वो अक्षर विद्या जी, श्रुति राव, कुणाल सिंह और आकाश सिंह है। और उसके बाद जो फिल्म आएगी या जो शूट होगी वो विधाता है, जिसका जिसमें खेसारी लाल जी है, अक्षरा सिंह, तो उसका डेट अभी नहीं मेरे को मिला है, जब भी मिलेगा तो उसके बाद शूट होगा।